एक बार की बात है, टिंकू रात को जंगल के रास्ते से वापस घर आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वह उसे देखकर चौंक जाता है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है रे! इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अजी, आप कौन है? इतनी रात गए इस जंगल में क्या कर रही है? आपको पता नहीं क्या, इस जंगल में चोर डाकू रहते हैं। आपको इस तरह यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे पास के गांव जाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मेरी साइकिल के पीछे बैठ जाइए। अरे वाह वाह टिंकू भाई, आज तो तेरे भाग ही खुल गए। आज पहली बार कोई लड़की मेरी साइकिल के पीछे बैठेगी। फिर वह लड़की टिंकू की साइकिल के पीछे बैठ जाती है। टिंकू गाना गाते हुए खुशी खुशी साइकिल चलाने लगता है। अरे पल पल न माने टिंकू जिया, अरे टिंकू जिया, अरे मेरा जिया, आज इस जग का मंजन चखूंगा पिया। टिंकू अपनी मस्ती में साइकिल चलाकर गांव की ओर चल देता है। तभी देखते ही देखते वह लड़की चुड़ैल में बदल जाती है। फिर टिंकू गांव पहुंच जाता है। टिंकू की साइकिल के पीछे उस चुड़ैल को बैठा देख सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डर के मारे सब इधर उधर भागने लगते हैं। अरे मर गए रे, अरे भागो रे भागो, अरे टिंकू तेरा नाश मिटे, ये किसे अपने साथ ले आया, अरे भागो रे भागो। अरे कमबख्तो, इधर उधर कहाँ भाग रहे हो? कौन चुड़ैल देख ली क्या? लगता है सब के सब पगला गए हैं। चलो छोड़ो, मुझे क्या लेना देना इनसे, आज तो टिंकू इश्क का मंजन चखेगा। फिर टिंकू सीधा अपने घर की ओर चला जाता है और कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाता है। अजी रात बहुत हो गई है, आज की रात आप मेरे ही घर रुक जाइए, सुबह होते ही मैं आपको आपके रिश्तेदार के घर छोड़ दूंगा। ठीक है टिंकू जी, जैसा आप कहें। फिर टिंकू उस लड़की को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। सभी गांव वाले भी टिंकू के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और झांक झांक कर उसके घर के अंदर देखने लगते हैं। अजी आप यहाँ कुछ देर आराम करिए, मैं नहा धोकर आता हूँ। ठीक है टिंकू जी, जैसा आप कहें। अरे वाह 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 टिंकू भाई, जल्दी से तैयार हो जा, आज तो इश्क का मंजन चक्कर के ही रहूंगा। फिर टिंकू नहाने के लिए चला जाता है। अरे भाई वो देखो, ये वही इच्छाधारी चुड़ैल है और ये कमबख्त टिंकू इसके जाल में फंस रहा है, आज ये जरूर मरेगा। भाई हमें टिंकू को किसी भी तरह इस लड़की की सच्चाई बतानी ही होगी, नहीं तो ये उसका खून पी जाएगी। चलो पीछे की खिड़की से उससे बात करने की कोशिश करते हैं। फिर गांव वाले भागकर दूसरी खिड़की पर पहुंच जाते हैं। अरे टिंकू भाई, टिंकू भाई, तुम ये किसे उठा कर ले आए भाई? ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, आज तुम पक्का मरने वाले हो। अरे चल भाग यहाँ से, मुझे पता है तुम सब गांव वाले मुझसे जल रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। फिर टिंकू खिड़की बंद कर देता है और वापस उस लड़की के पास चला जाता है। वहाँ वह लड़की घूंघट ओढ़कर बैठी होती है। टिंकू भी उसके पास जाकर बैठ जाता है। वह लड़की चुड़ैल बन चुकी होती है और गुर्रा रही होती है। अजी क्या मैं आपका घूंघट उठा सकता हूँ? अरे ये कैसी अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही हो? अच्छा तो मुझे डराना चाहती हो? लेकिन मैं नहीं डरने वाला, आओ ना अब मुझे इश्क का मंजन चखाओ ना, ये टिंकू कब से इंतजार कर रहा है। फिर जैसे ही टिंकू उसका घूंघट उठाता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे मर गया रे, ये तो कोई चुड़ैल है, अरे ये मैं कहाँ फंस गया, वो कमबख्त गांव वाले तो सही कह रहे थे, ये तो कोई चुड़ैल निकली। हे हे हा,
आओ ना टिंकू जी, क्यों डर गए? इधर आओ ना, मैं अभी आपका जिया धड़काती हूँ ना। अरे नहीं नहीं चुड़ैल बहन, मुझे आपसे अपना जिया नहीं धड़कवाना, मुझे माफ कर दो, मैं तो आपकी सुंदरता को देखकर फिसल गया था। अरे मर गया, अरे अब क्या करूं? अरे किधर जाता है, सुन तो सही। अरे टिंकू भाई, जल्दी से इसे घर से निकालो, नहीं तो ये तुम्हारा खून पी जाएगी। अरे भागो रे भागो, अरे मर गया रे, आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया। फिर टिंकू भाग कर घर से बाहर निकल जाता है। अरे नास मिटो, सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे कि ये चुड़ैल है? अरे भाई हमें क्यों दोष दे रहे हो भाई, तुम खुद उसके प्यार में पागल हो रखे थे, हम क्या करते? अरे भाई अब ये सोचो कि इस चुड़ैल का क्या करना है, हम ज्यादा देर तक इसे घर में नहीं रोक पाएंगे, आजाद होते ही ये हम सबका खून पी जाएगी। भाई हमें इस चुड़ैल को किसी तरह इस घर से निकाल कर उस मंदिर के पास लेकर जाना होगा। लेकिन भाई हम ऐसा करेंगे कैसे? मेरे पास एक तरकीब है। फिर वे सब गांव वाले टिंकू को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसे भूत का भेष पहना देते हैं। अरे नास मिटो, ये क्या कर रहे हो, मुझे भूत क्यों बना रहे हो? अरे टिंकू भाई, तुम भूत का भेष बदल कर चुड़ैल के पास जाओ, ये चुड़ैल तुम्हें अपनी बिरादरी का समझकर तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लेगी। लेकिन भाई उसने मेरी असलियत पहचान ली तो मेरा क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, अगर तुम पकड़े गए तो हम सब तुम्हारी मदद करने वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर टिंकू भूत का भेष बदल कर चुड़ैल के पास जाता है। ए चुड़ैल, देखो मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, जल्दी से मेरे साथ चलो, नहीं तो ये सब गांव वाले तुम्हें मिलकर मार देंगे। अरे इन गांव वालों में इतनी शक्ति कहाँ जो मेरा सामना कर सके, मैं इनसे नहीं डरती, आज तो मैं इन्हें कच्चा खा कर ही रहूंगी। लेकिन ये तो सिर्फ चार पांच लोग ही हैं, मेरे साथ पास के गांव में चलो, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम दोनों मिलकर उनका शिकार करेंगे। फिर चुड़ैल टिंकू की बातों में आ जाती है और उसके साथ चल पड़ती है। सभी गांव वाले छुप छुप कर उन्हें देखने लगते हैं। फिर टिंकू जानबूझकर उस चुड़ैल को मंदिर के रास्ते से ले जाने लगता है। हे भगवान मेरी रक्षा करना, कहीं इसे मेरी असलियत का पता चल गया तो ये मुझे कच्चा ही खा जाएगी। फिर कुछ देर चलते ही सामने मंदिर आ जाता है। चुड़ैल उस मंदिर को देखकर चौंक जाती है। अरे नास मिटे, ये मुझे किस रास्ते से ले आया? चुड़ैल जी, मैं तो आपको सही रास्ते से ले जा रहा था, अब अचानक से ये मंदिर सामने आ गया, तो मेरी क्या गलती है? फिर वो चुड़ैल मंदिर की ओर देखकर डरने लगती है। तभी टिंकू उस चुड़ैल को पीछे से धक्का मार कर जमीन पर गिरा देता है। तभी मंदिर रोशनी से जगमगा उठता है, मंदिर की सारी घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं। अरे मर गई रे, ये मैं कहाँ फंस गई? अरे कमबख्त, तूने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। अरे मर गई रे, हाय रे। फिर देखते ही देखते वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और इस तरह गांव वाले उस चुड़ैल से छुटकारा पा लेते हैं।